हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है, ये साईं सच्चरित है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। ये साईं सच्चरित है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 35, कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं रामचंद्र गुप्ता, सह सचिव श्री साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा से। तो आज हम आपको श्री साईं सचिव अध्याय 35 की पावन कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। और बाबा की यह कथा आज हम बाबा की शाम की आरती के बाद आपको सुना रहे हैं। क्योंकि यह कथा हम आज बाबा को इसलिए सुना रहे हैं इस समय, क्योंकि बाबा का आज बहुत ही प्यारा दिन है और कल ग्रहण है। तो इस उपलक्ष्य पर हम बाबा को यह कथा सुनाने जा रहे हैं। तो जो भक्त बाबा की इस कथा का श्रवण कर रहा है, जोर से जयकारा लगा दीजिएगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। क्योंकि पीछे पे जल रही है शिरडी के साईं बाबा की अखंड धुनी, और जो भक्त बाबा की इस अखंड धुनी में अपनी स्वेच्छा अनुसार अपनी मनोकामना पूर्ति के हेतु लकड़ी का दान करता है, बाबा की अखंड ज्योत के लिए तेल दान करता है और बाबा के दर पे साप्ताहिक मनोकामना पूर्ति हेतु ज्योत प्रज्वलित कराता है, उस भक्त की सारी मनोकामना शिरडी के साईं पूर्ण करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साईं सचिव अध्याय 35 की कथा को। काका महाजनी के मित्र और सेठ निर्विज मुनक्के बांद्रा के एक गृहस्थ की अनिद्रा बालाजी पाटिल निवासकर बाबा का शर्त के रूप में प्रकट होना। इस अध्याय में उदी का महात्म्य ही वर्णित है। इसमें ऐसी दो घटनाओं का उल्लेख है कि परीक्षा करने पर देखा गया कि बाबा ने दक्षिणा अस्वीकार कर दी। पहले इन घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। आध्यात्मिक विषयों में सांप्रदायिक प्रवृत्ति उन्नति के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। निराकरवादियों से कहते सुना जाता है कि ईश्वर की सगुण उपासना केवल एक भ्रम ही है और संत गण भी अपने सदृशी सामान्य पुरुष हैं। इस कारण उनकी चरण वंदना कर उन्हें दक्षिणा क्यों देना चाहिए। अन्य पंथों के अनुयायी का ऐसा भी मत है कि अपने सदगुरु के अतिरिक्त अन्य संतों को नमन तथा उनकी भक्ति ना करनी चाहिए। इसी प्रकार की अनेक आलोचनाएं साईं बाबा के संबंध में पहले भी सुनने में आया करती थी तथा अभी भी आ रही है। किसी का कथन था कि जब हम शिरडी गए तो बाबा ने हमसे दक्षिणा मांगी। क्या इस भांति दक्षिणा ऐठना एक संत के लिए शोभनीय था। जब वे इस प्रकार आचरण करते हैं तो फिर उनका साधु कर्म धर्म कहाँ रहा। परंतु ऐसा भी कई घटनाएं अनुभव में आई है कि जिन लोगों ने शिरडी जाकर अविश्वास से बाबा के दर्शन किए, उन्होंने ही सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम कर प्रार्थना भी की। ऐसे ही कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। काका महाजनी के मित्र निराकरवादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। कौतूहल बस वे काका महाजनी के साथ दो शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए कि बाबा को नमस्कार नहीं करेंगे और ना ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। जब बाबा काका ने सकारात्मक उत्तर दे दिया तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बंबई से प्रस्थान कर दिया और दूसरे ही दिन प्रातः काल शिरडी को पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मस्जिद पर पैर रखा उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहने लगे कि अरे आइए श्रीमान पधारिए, आपका स्वागत है। इन शब्दों को सुनकर कुछ विचित्र सा था और उनका स्वर प्रायः अन्य मित्र के पिता के बिल्कुल अनुरूप ही था।
तब उन्हें अपने कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। क्या मोहनी थी उस स्वर में, आश्चर्य युक्त स्वर में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा कि निसंदेह यह स्वर मेरे पिताजी का ही है। तब ये शीघ्र ही दौड़ कर गए और अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। बाबा ने काका से तो दोपहर में तथा विदा लेते समय दो बार दक्षिणा मांगी, परंतु मित्र से एक शब्द भी ना कहा गया। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे दो बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, फिर वे मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं। काका ने उत्तर दिया कि बेहतर तो यही होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से पूछ लो। बाबा ने पूछा कि क्या कानाफूसी हो रही है। तब उनके मित्र ने कहा कि क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं। बाबा ने कहा तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तुम तब उन्होंने 17 रुपए भेंट किए जितने काका ने दिए थे। तब बाबा ने उन्हें उपदेश दिया कि अपने बीच जो तेली की दीवार भेदभाव है उसे नष्ट कर दो, जिससे हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सकें। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे, परंतु हवा भी वेग से चल रही थी, तो भी दोनों सकुशल बंबई को पहुंच गए। और घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार पर खिड़की खोली तो यहाँ वहाँ दो मृत चमगादड़ पड़े हुए थे। एक तीसरा उनके सामने ही फुर्र करके खिड़की से उड़ गया। उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य ही बच गए होते, परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह उनके भाग्य अनुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे की प्राण रक्षा के हेतु हमें शीघ्र ही वहां से वापस अपने घर को भेजा है। तो आपने देखा कि बाबा ने कैसे उस चमगादड़ के प्राण बचाए और भक्त को जल्द से जल्द उसके घर पे पहुंचाया। आज बाबा की अखंड धुनी बहुत ही मस्त जल रही है, देख सकते हैं उसके जो धुआं निकल रहा है, बाबा की पूरी द्वारका माई में भर गए हैं। बाबा की कृपा है, बाबा के आज एक भक्त ने हमसे और बाबा की अखंड धुनी के लिए बाबा को आज हम बाबा के प्रिय भक्त सत्येंद्र सिंह, गुरमीत कौर, जसप्रीत कौर और जगजीत सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं कि बाबा इन पे कृपा करें और इनकी सारी परेशानियों को दूर करें और इनके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। बाबा यह भी आपके परम भक्तों में से एक हैं और यह भी आपकी अखंड धुनी के लिए सोच रहे हैं। तो रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम भी नहीं मुझे माँ बाप भाई। हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, ये साईं ग्रंथ है पुण्य कथा मेरे साईं की। तो साईं सचेत अध्याय 35 की यह पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो में हम काका महाजनी शेख के बारे में आपको बताएंगे कि क्या थे काका महाजनी शेख, कौन थे काका महाजनी शेख जो बाबा के दर्शन को ठहरे और क्या उपकार क्या चमत्कार बाबा ने उन पर किया जो जीवन पर्यंत वो भक्त बाबा के ऋणी रह गए। तो साईं सचेत अध्याय 35 की यह पावन कथा जारी है। अगर आप सभी बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ सुन रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों में से शेयर करें और बीच में इस कथा को बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि कल ग्रहण है, इस उपलक्ष पर हम अभी बाबा को यह कथा सुना रहे हैं कि बाबा सबके कष्टों को दूर करें और सबके अपनी अपार कृपा बनाए रखें। और आप सभी अगर साईं जीवन माला के पर्सनल मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन में क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाबा की कृपा आप पर बनी रहे इन्हीं आशाओं के साथ अगले वीडियो पे हम मिलते हैं। तब तक के लिए ओम साईं राम।